जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आप सभी व्यूअर्स को हमारे इस चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी के समस्त परिवार की ओर से नववर्ष 2022 की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं, जहां हम चर्चा करने जा रहे हैं कि साल का जो पहला महीना है जनवरी 2022 का, वो इनकम की दृष्टि से आप सभी व्यूअर्स के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने में चार मुख्य ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, उनकी स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका प्रभाव आपकी इनकम पर किस प्रकार पड़ने वाला है, इसकी हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिससे आप जनवरी 2022 को अपने लिए और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसमें अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो आशा करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ भक्तगणों, अब बिना वक्त गवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। चलिए भक्तगणों, चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं कि हमारे जो धनु राशि के जातक हैं, जनवरी 2022 में उनकी इनकम की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। ये चर्चा करने के लिए कुंडली के हम लोग 11वें और द्वितीय भाव का अध्ययन करेंगे, जिसमें 11वें के स्वामी आप लोगों के शुक्र देवता हैं और द्वितीय के स्वामी शनिदेव। अब इस महीने अगर हम लोग शनि की स्थिति को देखें पहले और द्वितीय भाव की स्थिति को देखें, तो द्वितीय भाव में स्वयं शनि अपने ही घर में विराजमान है। बहुत ही अच्छी स्थिति बनती है आप लोगों के लिए कि आप अच्छी इनकम अपने लिए जनरेट करके उसको पैसे को बचा भी सकें, अपना फ्यूचर आप सिक्योर कर सकें। तो ऐसे लॉन्ग टर्म डिसीजन आप लेने वाले हैं इस समय में, जो कि आपको गाइड करेंगे नए साल की शुरुआत के साथ। आपको मोटिवेशन आएगा अपने अंदर कि आप फ्यूचर प्लानिंग करें और अपने पैसे को सही जगह पर लगाएं, सही तरीके से उसको इन्वेस्ट करें, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिल पाए। तो शनि आपको इस दिशा में यहाँ पर प्रेरित करने वाले हैं और इस दिशा में आप बहुत अच्छे कदम भी उठाने वाले हैं। पहले 15 दिन बहुत अच्छे हैं इस दृष्टि से, बाद के 15 दिनों में थोड़ी दिक्कत आएगी जब सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके यहाँ पर निवास करने लगेंगे आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में। तो वहां पर वो शनि अपने दुश्मन के साथ हो जाएंगे। बुध भी, जो कि इस घर को प्रभावित कर रहे हैं, कर्मों के मालिक हैं, जीवन साथी को भी इंडिकेट करते हैं, उनके गलत सुझावों की वजह से आप कुछ गलत फैसले इस ड्यूरेशन में ले सकते हैं। तो बाद के जो 15 दिन में हैं, उनको आप उस समय पर कोई विशेष इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। पहले 15 दिन में ही ऐसे डिसीजन को लेकर आप उन्हें निपटा दें, आपको ज्यादा अच्छे फल लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। शुक्र देवता की स्थिति को भी देख लेते हैं। तो शुक्र देवता यहाँ पर आपकी कुंडली के मालिक हैं, 6वें भाव के प्लस 11वें भाव के, दोनों ही मलिफिक भाव हैं, यानी कि आपके लिए एक तरीके से दुश्मनों को इंडिकेट करते हैं। यानी शुक्र देवता धनु राशि के जातकों के लिए एक मलिफिक प्लैनेट है। इसको हम लोग फंक्शनल मलिफिक कहते हैं एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में, यानी कि ये ग्रह धनु राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर एक शत्रु ग्रह बनता है। तो यहाँ पर यही शुक्र यहाँ पर आपके मस्तिष्क पर लग्न भाव में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ पर क्योंकि वो दो पाप ग्रहों के मध्य में बैठे हुए हैं, तो इस समय पर शुक्र देवता कमजोर हैं, कुछ पीड़ा आपको पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर बदनामी भी शुक्र देवता आपको दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके शत्रु ग्रह हैं और ये बदनामी पैसों को लेकर आ सकती है, यानी कि आप किसी का ट्रस्ट तोड़ सकते हैं पैसों के मुद्दे को लेकर। तो ये यहाँ पर शुक्र देवता की जो स्थिति है आप लोगों के लिए बता रही है। सतर्कता बरतने की जरूरत है शुक्र देवता की दृष्टि। चलिए बता, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वक्री ग्रह का क्या प्रभाव होता है आपके जीवन में, कैसे वो इंटेंसिटी के साथ आपको फल देता है, तो अब आपके मन में जो दूसरा प्रश्न आया होगा वो ये आया होगा कि
मुझे ये कैसे पता लगे कि बुध देवता या अन्य कोई ग्रह मेरी कुंडली में खराब है या मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, कहीं इसका कोई कारण? कहाँ से मुझे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा कि कौन से ग्रह ग्रहों की वजह से, कौन सी योगों की वजह से मैं इस परेशानी का सामना कर रहा हूँ, चाहे फिर वो आपकी नौकरी से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो, जीवन साथी के साथ रिलेशन से संबंधित हो, या फिर आपका भाग्य साथ ना देता हो या कर्जा अधिक हो गया हो, कोई भी परेशानी अपने जीवन में आप झेल रहे हैं तो उसका कारण इन नवग्रह देवताओं के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के पीछे ही छुपा हुआ है। यानी कि इनकी स्थिति कैसी है आकाश में जब आपने जन्म लिया था, तो ये एक प्रमुख इंडिकेटर होने वाला है कि जीवन में आपको क्या फल मिलेंगे। तो भक्तों, आवश्यकता है कि अपनी जन्म कुंडली को किसी योग्य विद्वान ज्योतिष से आप परामर्श लेकर उसका अध्ययन करवाएं, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सा ग्रह खराब है और कौन सा उनके लिए उपाय करने की आवश्यकता है। हमारे सिद्ध शनि मंदिर के गुरु रजनीश ऋषि जी, गुरु माँ रुक्मणी जी और मैं स्वयं स्वामी राजर्षि आप सभी लोगों की इसी ज्योतिष परामर्श में मदद करने के लिए यहाँ पर शनि मंदिर में बैठे हुए हैं। आवश्यकता है कि स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके आप जल्द से जल्द तुरंत के तुरंत अपने लिए अपॉइंटमेंट को बुक करें, ताकि आप भी हमसे ज्योतिष परामर्श प्राप्त करके अपने खराब ग्रहों से संबंधित उपाय कर सकें और साल 2022 की एक शुभ अच्छी शुरुआत आप लोग कर सकें। जिन लोगों को फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं फिर भी ज्योतिष के उपाय वो अपनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के हमने एक विशेष सर्व कार्य सिद्धि लॉकेट, सर्व कार्य सिद्धि अंगूठी को तैयार किया है, जो कि आपकी परेशानियों को सॉल्व कर सकता है। और ये लॉकेट और ये अंगूठी बहुत ही बजट फ्रेंडली आप लोगों के लिए हैं। हमने विशेष तौर पर तैयार किए उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियली तौर पर कमज़ोर हैं। तो आप में से जो कोई भी भक्त ये अंगूठी, ये लॉकेट घर बैठे हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की परेशानियों की समाप्ति की कामना कर रहे हैं, उनको जरूर स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके हमसे ये लॉकेट और अंगूठी मंगवानी। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम मनोज है और मैं इंद्रपुरी में रहता हूँ, और जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ तो मेरे अंदर सुधार नजर आ रहा है। मुझे आपसे जुड़े जुड़े मेरे को 15-20 दिन हो गए, आपसे मैंने स्टोन अंगूठियाँ बनवाई हैं, तब से मेरा माइंड थोड़ा ग्रोथ करने लगा है और अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे हैं। जितनी भी बुरी आदतें थी वो धीरे धीरे डाउन हो गई हैं और मुझे पहले से बेटर लग रहा है। और मैं आपके पास एक और रिंग के लिए आज स्पेशल आया हूँ। लोगों को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप इधर उधर ना भटको, आप अच्छी जगह पर आओ, जैसे मैं आया हूँ वैसे भी आप भी आओ। मुझे यहाँ आकर संतुष्टि मिली, मैं बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गया लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं मिला, और यहाँ मुझे 10 दिन में फायदा नजर आ गया। चलिए भक्तों, बात कर लेते हैं उस उपाय की जिससे आप जनवरी 2022 को अपने लिए और बेहतर बना सकते हैं। जो परेशानियां, जो अड़चने जिनका आप सामना करने वाले हैं, उनसे लड़ने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी आपको सलाह होगी कि सूर्य देवता को मजबूती प्रदान करना आपके लिए सबसे अच्छा उपाय इस समय पर बन सकता है। तो सूर्य देवता को मजबूत करने के लिए मैं आपको दो उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो सूर्य देवता के बीज मंत्र का उच्चारण, बहुत ही सरल बीज मंत्र है उनका, ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ओम राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप नित्य प्रतिदिन करें, माला के साथ ही मंत्रों का जाप किया करें, उससे आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा, इससे आपका ध्यान भी केंद्रित रहेगा। और दूसरा उपाय यह है कि जब आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, संपन्न हो जाए, तो उसके पश्चात आप लोग सूर्य देवता को अर्घ भी जरूर प्रदान करें। अर्घ प्रदान करने के लिए तांबे के लोटे का या तांबे के ग्लास का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है, थोड़ी सी कुमकुम या लाल जो हमारी गोली होती है वो डालनी है, और सूर्य देवता को अर्घ प्रदान करना है। जब अर्घ प्रदान करेंगे तो ध्यान रखना है कि जो जल है वो किसी गमले में गिरे, सीधे नाली में रह जाए, और सूर्य देवता को जल की
धारा जो बह रही है उसमें से देखते हुए उनको प्रणाम करना है। तो ये बहुत ही सरल सूर्य देवता का उपाय है, भाग्य के मालिक हैं, उनको मजबूत कर देगा जिससे कि आप बहुत सी परेशानियों से तो ऐसे ही जीत जाएंगे। तो जनवरी 2022 में इस सरल से उपाय को जरूर अपना के देखें, धनु राशि के जातकों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलिए बता, हमारी आशा ये है कि इस साल की शुरुआत है वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन गुजरे, बहुत ही अच्छा समय आपका बीते, साथ ही साथ नित्य प्रतिदिन आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें, आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि का हमेशा निवास रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम देता हूँ। आशा करता हूँ ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें।